दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की तरफ काफी तेज गति से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बता दें कि आखिरी बार जब हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, तब चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद था। और अब इसी की कड़ी में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जो ये बात साबित कर देगी कि भारत का चंद्रयान 3 अगले कुछ ही दिनों में एक बेहद सफल प्रोग्राम के तौर पर सामने आएगा, जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा सकेगा। दरअसल सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट जानकारी से इस बात का पता चला है कि हमारे चंद्रयान 3 ने अपने चौथे ऑर्बिट को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिसके बाद अगले कुछ ही समय में इसे लूनर हाईवे, मतलब वो रास्ता जिससे धरती से चांद की तरफ जाया जाता है, उस पर भेज दिया जाएगा। बता दें कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है, जिसे चंद्रयान 3 मात्र 42 दिनों में पूरा कर लेगा। और अब क्योंकि हमारे यान ने चौथे ऑर्बिट को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया, इसीलिए इस मिशन की सफलता की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की इस कामयाबी के समय इटली के अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने एक हैरान करने वाली इमेज रिलीज की, जिसमें चंद्रयान 3 को अपनी ट्रेजेक्ट्री की तरफ हजारों किलोमीटर की रफ्तार से जाता देखा जा सकता है। इस इमेज में चंद्रयान 3 बिल्कुल किसी सितारे की तरह आसमान में चमकता दिखाई पड़ रहा है और हर बीते सेकंड के साथ कई किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जिसे देखकर सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल पूरी दुनिया चंद्रयान 3 पर अपनी नजर इसलिए टिका कर बैठी है क्योंकि अगर ये प्रोग्राम सफल हुआ तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सकेगा, जहां पर सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर पहुंचती है। वहीं चंद्रमा की आम सतह के मुकाबले दक्षिणी ध्रुव पर गड्ढे भी काफी ज्यादा हैं। साथ ही इस इलाके पर कई ऐसे पहाड़ मौजूद है जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को कई गुना ज्यादा मुश्किल बना देंगे, जिसकी वजह से अगर इन सभी चुनौतियों के बावजूद यहां पर लैंडिंग सफल हो जाती है तो ये पूरी मानव जाति के लिए ऐतिहासिक होगा। ऊपर से ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा के बारे में कई ऐसी जानकारी दुनिया को नहीं पता, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिसके तहत इस बात की संभावना काफी पहले जताई गई थी कि चंद्रमा की सतह पर कई मिनरल और रिसोर्सेज मौजूद है जो मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। बता दें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद भारत और नासा को कई ऐसी रिपोर्ट मिलेंगे जो खुफिया जानकारियों के साथ चंद्रमा की सतह के बारे में हमें काफी सारी चीजें बताएंगे, जिसे लेकर फिलहाल हर कोई काफी ज्यादा उत्सुक है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी हुई है, जिसमें हर दिन हमें नई खुशखबरी देखने को मिल रही है। बता दें कि 14 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 609 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें सिर्फ एक हफ्ते में ही 12 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली। हैरानी की बात तो यह है कि इससे एक हफ्ते पहले भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 1.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी, जो भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को साफ तौर पर दर्शाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 609 अरब डॉलर के साथ पिछले 15 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं पर पिछले साल अक्टूबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर था, जिस समय हमारे पास 645 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद थे। पर तब से भारत के सामने लगातार आ रही वैश्विक चुनौतियों की वजह से हमने भारतीय रुपए को संतुलित करने के लिए काफी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमारे रिजर्व घटकर 600 बिलियन डॉलर से नीचे आ चुके थे। पर अब एक बार फिर से इनमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार आसमान छू रहा है, उस वक्त दुनिया भर के कई विकसित देश, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका शामिल है, इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हालत में है। आज भी यहाँ पर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रही है। साथ ही क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से इन देशों के इलेक्ट्रिसिटी बिल और ग्रोसरीज की कीमतें भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इन देशों में आम जनता अपने स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही जहां एक तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऐतिहासिक ऊंचाई की तरफ एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और आईएमएफ से 4.2 अरब डॉलर की मदद लेकर पाकिस्तान को भी एक बड़ी राहत मिली, जिसके तहत पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पहले के मुकाबले 2 गुना हो चुका है। बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 8.73 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, जो पिछले साल अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है, जिस वक्त पाकिस्तान के पास 8.76 अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद थे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।